वी डिस्कस दिस एग्जाम्पल फाइंड द फोर ईयर सीरीज एक्सपांशन ऑफ फंक्शन एफ ऑप एक्स इक्व टू माइनस पाए इन द इंटरवल माइनस पाए लेस दैन एक्स लेस दैन जीरो एंड इट इज एक्स इन द इंटरवल जीरो लेस दैन एक्स लेस दैन पाई यहाँ पर लेस दैन इक्वल टू नहीं है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है हम स्ट्रिक्टलीस के लिए भी ले सकते हैं क्योंकि हमने ये इंटीग्रेशन में स्टडी किया था कि अगर आपको कहा है कि क्लोज इंटरवल ए टू बी फंक्शन को इंटीग्रेट करो तो स्टिल वी आर टेकिंग ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और अगर हमने ओपन इंटरवल ए टू बी के अंदर भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए कहा है तो यहाँ पे भी हमें ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ही लेते हैं इसीलिए अगर एंड पॉइंट इसमें इंक्लूड है या फिर नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो जनरल केस में हमने यहाँ पे लेस दैन इक्वल्स टू डिस्कस किया था बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस स्ट्रिक्टली ग्रेटर का सिंबल है सो कोई प्रॉब्लम नहीं है So, in this question, our function is defined in the interval minus pi to pi. And in addition, we have to show that pi square by 8 is equals to 1 by 1 square plus 1 by 3 square plus 1 by pi square and so on. Now, we have to find the Fourier series expansion of this function or interval m minus pi to pi. That means, the formula of Fourier series is a0 divided by 2 plus summation n running from 1 to infinity. ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स तो ये हो जाएगा हमारा फोर ईयर सीरीज एक्सपांशन ऑफ ए फंक्शन बट यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट है अब इनकी वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट वी फाइंड ए ज़ीरो फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग ए जीरो इज वन बाय पाए इंटीग्रल इंटरवल हमारा माइनस पाई टू पाए तो इंटीग्रल माइनस पाई टू पाए एफ ऑफ एक्स डी एक्स येयर वीहाउट टू पुट द वैल्यू ऑफ योर फंक्शन बट जो फंक्शन हमारा गिवन है वो किस तरह से दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ है फर्स्ट इज माइनस फाइव इन द इंटरवल माइनस फाइव लेस दैन एक्स लेस दैन जीरो एंड इट इज एक्स जीरोसन फाइव दैट मीन्स अगर आपका फंक्शन ये जो जीरो है यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में अलग आंसर है माइनस फाइव और राइट right साइड में अप टू पाए तक के आंसर है एक्स सुदेव फोर अगर फंक्शन टू पार्ट्स में ब्रेक है तो इस इंटीग्रल को हम ब्रेक कर सकते हैं बिकॉज इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी क्या कहता है इंटीग्रल ए टू बी वी कैन राइट इट इज़ ए इंटीग्रल ए टू सी प्लस सी टू बी कंडीशन क्या होगा इसके लिए जस्ट ये जो सी है वो बिलोंग होना चाहिए इन द इंटरवल ए कोमा बी तो अगर सी इन्हीं ए और बी के बीच में ही बैठा है तो आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो जबकि ज़ीरो माइनस पाई टू पाई के बीच में ही है सो हीयर एग्जैक्टली मिडल नहीं बट कहीं तो भी इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए तो हियर माइनस पाई टू पाई यहाँ पे ये यह जीरो है तो देअ फोर वी कैन टेक वन अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स Now, minus pi to pi, value of function is minus pi. So, 1 by pi, pi, integral minus pi to 0, here value of function is minus pi dx plus 0 to pi, value of function is x dx. Therefore, integration of this first term is here minus pi is constant, integration of dx is x minus pi to 0. प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वेयर बाय टू जीरो टू बाय नब पुट अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट सो हियर अपर लिमिट इज जीरो माइनस ऑफ लोअर लिमिट सो माइनस ऑफ लोअर लिमिट एक्स के जगह पे ये लोअर लिमिट पुट अप होगा देन प्लस वन बाय टू इज कॉन्स्टेंट इन अपर लिमिट इज पाए सो एक्स का स्क्वायर है तो अपर लिमिट का स्क्वायर हो जाएगा पाए स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट इज जीरो दोर दिस माइनस ऑफ माइनस प्लस पाए इन टू दिस पाए तो माइनस पाए स्क्वायर एंड दिस इज पाए स्क्वायर बाय टू दोर इफ वी सिंप्लीफाई दिस टर्म तो वी विल गेट माइनस पाए स्क्र बाय टू ना इन ए नेक्स्ट टाइम दिस पाए स्क्र एंड Divided by this pi, if we cancel out, then it is a minus pi by two. That means a zero equals to minus pi by two. So this is the value of our first constant a zero. Now next constant is a n. a n is equals to formula is one by pi minus pi to pi f of x cos nx dx. Now again we have to put the value of function. So for that, so minus pi to zero and zero to pi. माइनस पाई टू जीरो इस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू है माइनस पाई टू पु दिस वैल्यू ऑफ फंक्शन ये इंटीग्रल माइनस पाई टू जीरो माइनस पा वैल्यू ऑफ फंक्शन कॉस एनएक्स डी एक्स नेक्स्ट इज जीरो टू पाई एंड इन दिस इंटरवल वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एक्स कॉस एनएक्स डी एक्स नाउ वन बाय वन इंटीग्रेट दिस इंटीग्रेटिसम वन अपॉन पाए माइनस पाए इज कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन एक्स डिवाइडेड बाय एन लिमिट इज माइनस पाई टू जीरो प्लस हेयर वी हाउव टू यूज द पार्शियल फ्रैक्शन जो सेकेंड फार्मूला बताया था वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सो एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म इज साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस फर्स्ट टर्म का डरेटिव वन सेकेंड का इंटीग्रेशन सो साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एनएक्स डिवाइडेड बाई एन तो इस टर्म का इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी एन डिवीजन में सो इट इज अ एन स्क्वेयर लिमिट इज जीरो टू वन नेक्स्ट टर्म में, so uh, में यहाँ पे ये जो टर्म है वन इसका डेरिवेटिव आएगा जबकि वन का डेरिवेटिव जीरो होता है तो नो नीड टू राइट अ जीरो सो दैट्स वाई मैंने नेक्स्ट टर्म नहीं लिखा है न ये पुट अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट वन अपॉन पाएंगे अपर लिमिट इज ज़ीरो एक्स से इंटीग्रेट किया है तो एक्स में अगर पुट अप करते तो साइन जीरो इज ज़ीरो माइनस लोअर लिमिट एंड साइन एन पाई इज ऑल्सो ज़ीरो तो फर्स्ट टर्म के लिए अपर लोअर लिमिट के लिए ये दोनों टर्म के लिए क्या है ज़ीरो न द नेक्स्ट टर्म ये अपर लिमिट इज पाए साइन एन पाए इज ज़ीरो लोअर लिमिट इज जीरो तो साइन जीरो इज जीरो तो दैट मीन्स अगेन दिस फर्स्ट टर्म इज जीरो तो इस ब्रैकेट का भी ये फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो गया ये वाला टर्म भी ज़ीरो डायरेक्टली अगर लिखते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है अगर आप यहाँ पाई पुट अप करोगे फिर बताओगे कि साइन एन पाई ज़ीरो तो स्टेप्स बढ़ते जाएंगे सो बेटर वे हमें ओरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर साइन एन पा ज़ीरो साइन जीरो इज ज़ीरो सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं नाउ दिस माइनस ऑफ माइनस प्लस वन अपॉन एन स्क्वेयर इज कॉन्स्टेंट ये जो है वन अपॉन एन स्क्वेर इज कॉन्स्टेंट पुट अपर लिमिट कॉस के अंदर अगर अपर लिमिट पुट अप कहते हैं तो यहाँ पर होगा कॉस एन पाए ये निगेटिव साइन मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया सो दैट्स वाई इट इज माइनस ऑफ माइनस प्लस वन अपॉन एन स्क्वेयर एंड पुट द अपर लिमिट तो एक्स के जगह पे पाए सो कॉस एंड पाए माइनस लोअर लिमिट कॉस ऑफ जीरो इज वन तो देअ फोर The final answer of our a n is 1 upon pi n square in bracket. This cos n pi we may write in the form of minus 1 raised to the power n minus 1. So, this is our value of a n. Similar way, we have to find the value of b n.

second integral 0 to pi in this interval value of function is x sine nx dx now integration of this term so here outside 1 upon pi as it is this constant term minus pi integration of sine is minus cos nx divided by n and limit is minus pi to 0 here we have to use the product rule so x as it is इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस एनएक्स डिवाइडेड बाय एन अल्टरनेट प्लस माइनस सो नेक्स्ट टर्म इज़ माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म सो इट इज माइनस साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर सो इसी ब्रैकेट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं दैट्स वाई इट इज़ ए माइनस साइन एनएक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर एंड द लिमिट इज जीरो टू इन्हें नेक्स्ट टर्म वी हैव टू पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखती हूँ अपर लिमिट अगर पुट करते हैं तो कॉस के अंदर ये हो जाएगा वन और कॉस ऑफ एन पाई सिमिलरली यहाँ पे अगर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट साइन के अंदर पुट अप करोगे तो साइन में अपर लोअर लिमिट के लिए ये टर्म हो जाएगा जीरो सो जस्ट आपको कॉस वाली टर्म के ऊपर फोकस करना है और कॉस का टर्म को प्रॉपरली सॉल्व करना है सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस टर्म Then you will get the answer bn is equals to 1 by n in bracket 1 minus 2 minus 1 raised to the power n. In the next step, we have to put this value of a0, a and bn in our Fourier series. So here, the function f of x is equals to Fourier series expansion is a0 by 2 plus summation. N running from one to infinity, a n, cos n x, plus b n, sin n x. So here a zero, value of a zero is minus pi by two. First value which we find out here that is a, a zero is equals to minus pi by two. So here minus pi by two divided by two plus summation, n running from one to infinity, a n. Value of An is 1 upon pi n square minus 1 raised to the power n minus 1. So here 1 upon pi n square minus 1 raised to the power n minus 1 into cos nx plus value of Bn. Bn is equals to 1 by n. In bracket 1 minus twice minus 1 raised to power n. Therefore, 1 upon n in bracket 1 minus twice minus 1 raised to power n into sine nx. This is actually our final answer for your series of given function. But for additional proof, we have to expand this function by putting this values of n. So in the next step, here f of x equals to minus pi by 4, here 2 and this 2 that is a 4 plus here summation n equals to 1. So if we put n equals to 1, then here minus 1 raised to power 1 is minus 1. That means we get minus 2. So therefore, numerator is minus 2 divided by pi cos x plus n equals to 1 so 1 upon 1 here n equals to 1 that means it is a minus 1 minus 1 plus this minus that is a plus so 1 plus 2 is 3 3 divided by 1 sine x plus next value of n is 2 here n is a 1 2 3 and so on up to infinity so just say n equals to 1 put up here similar way we have to put the next value of n that is 2. So if we put n equals to 2, the 2 is a even number and minus 1 raised to the power even is 1. 1 minus 1 is 0. So for every even number, this term is 0. So here n equals to 2, first term is 0 plus n equals to 2, so it is a 1 upon 2 in bracket. Minus 1 raised to the power 2 is 1. So 1 minus 2, it is minus 1 into sine. Twice x plus next term is n equals to 3 so n equals to 3 that is a minus 2 for every odd number it is minus 2 divided by 3 square pi into cos 3x plus here n equals to 3 so it is a minus 1 raised to the power 3 is minus so it is again 3 divided by n equals to 3 into sine

थ्री एक्स और कॉस का टर्म हर एक और टर्म के लिए एग्जिस्ट है और हर एक टर्म में क्या है ये निगेटिव सिंबॉल है मतलब अगर नेक्स्ट टर्म लिख दे तो ये होगा माइनस टू बाय फाइव स्क्वेयर आई इंटू कॉस फाइव एक्स कॉस के लिए ये और टर्म के लिए एग्जिस्ट है बिकॉज इवन के टाइम पे ये माइनस वन स्क्वेर तो ये इवन के लिए दिस टर्म इज जीरो एंड सो ऑन नाउ नेक्स्ट वी हैव टू राइट फॉर साइन

और के टाइम पे मल्टीप्लीकेशन में थ्री है ईवन के टाइम पे यहाँ पे वन एंड या डिवीजन में वन टू थ्री ना ये हो गया हमारा फोर ईयर सीरीज अब यहाँ पे फोर ईयर सीरीज ये भी स्टॉप हो सकता है इस टर्म को आप ब्रैकेट को समेशन फॉर फर्स्ट टर्म प्लस समेशन फॉर सेकेंड टर्म इस तरह से भी लिख सकते हैं एज वेल एज ये फर्स्ट टर्म के लिए जब समेशन लिखोगे तो ये एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनी तो इसमें सिर्फ इवन के लिए ये जो टर्म है इवन के लिए जीरो है और ऑड के टाइम पे एग्जिस्ट है तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि यार एन इज ऑड टर्म के लिए दैट इज ए वन थ्री फाइव एन सो ऑन और ये जो टर्म है इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा माइनस टू डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर बाय कॉस एन एक्स ये वाला फॉर्म अलग अलग फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो बट यही आपका एक फाइनल आंसर हो गया कि गिवन सीरी जो फंक्शन है उसका फोर ईयर सीरीज एक्सपांशन इज दिस वन तो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है बट एज पर प्रूफ जो भी आपको एग्जाम में कहा है कि शो दैट या फिर फाइन द आंसर इन द फॉर्म ऑफ तो उसके लिए यह एडिशनल पार्ट है यहाँ पर मुझे सीरीज को एक्सपांड करना था बिकॉज जो एडिशनल uh, पार्ट है उसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसका रिक्वायरमेंट था दैट्स वाई मैंने इस टर्म को एक्सपांड कर दिया है न इन्हें नेक्स्ट स्टेप ये जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड है एडिशनल पार्ट इज वी हाउ टू प्रू दैट पाई स्क्वेयर बाय एट इज इक्वल्स टू वन बाय वन स्क्वेयर प्लस वन बाय थ्री स्क्वेयर प्लस वन बाय फाइव स्क्यर अब ये पाए स्क्वेयर बाय एट के लिए ये जो फंक्शन है यहाँ पे कहीं पे भी एक्स नहीं है दैट मीन्स ये जो आंसर हमने यहाँ पे फोर ईयर सीरीज का निकाल के रखा है इसमें एक्स का पर्टिकुलर वैल्यू पुटअप करना है अब एक्स का एग्जैक्टली exactly कौन सा वैल्यू पुटअप करेंगे सो ये इन दिस क्वेश्चन इट इज ए वन बाय वन स्क्वेयर वन बाय थ्री स्क्वेयर वन बाय फाइव स्क्यर और ये सेम टर्म आपको यहाँ पे इस टर्म में अगर ऑब्जर्व करोगे तो इट कंटेन थ्री स्क्वेयर फाइव स्क्वेयर मतलब कॉज वाले टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट है और ये साइन वाला टर्म नहीं है दैट मीन्स ये टर्म ज़ीरो हुआ तो भी चलेगा सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट साइन टर्म विल बी जीरो एंड वी नो दैट साइन जीरो इज ज़ीरो सो इन ए नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू पुट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो सो इफ वी पुट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो देन वी गेट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर प्लस ये माइनस टू बाय पाई देन माइनस टू बाय थ्री स्क्वेयर पाई देन माइनस टू बाय फाइव स्क्वेयर पाई माइनस एंड सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो सो जस्ट हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किए थे अबाउट द डी कंडीशन उसी के हेल्प से वी हाव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो बिकॉज एट जीरो दिस फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस और फंक्शन अगर डिसकंटीन्यूअस है एट ज़ीरो पे तो हम डेस्लेट की हेल्प से एफ ऑफ जीरो निकाल सकते हैं सो ये एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ ज़ीरो निगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू देन प्लस एफ ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई टू यट ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ऑफ फंक्शन इज माइनस बाय तो लेफ़्ट साइड से अगर ज़ीरो के तरफ जाते हो तो फंक्शन है माइनस पाए तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस पाए एफ़ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर माइनस पाएँ तो एफ ऑफ ज़ीरो इज़ माइनस पाए सो हियर फ्रॉम नेगेटिव साइड आंसर इज़ माइनस फाइव प्लस एफ ऑफ जीरो फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन सो राइट साइड से अगर ज़ीरो की तरफ आते हो तो फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स इज़ एक्स सो एफ ऑफ एक्स का अगर आंसर एक्स है तो एफ़ ऑफ ज़ीरो इज़ीरो सो ये ज़ीरो डिवाइडेड बाय टू तो जस्ट हमने क्या किया जब हम राइट right साइड से आ रहे हैं तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज एक्स और इसमें ज़ीरो अगर पुट अप करते हैं तो एफ ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो सो ये द आंसर ऑफ आवर फंक्शन एट ज़ीरो इज माइनस पाई बाय टू इस फंक्शन के अंदर अगर हम पुट अप करते हैं तो माइनस पाई बाय टू इज इक्वस टू माइनस पाई बाय फोर नाउ फ्रॉम दिस ब्रैकेट वी कैन टेक माइनस टू बाय पाई कॉमन So minus 2 by pi outside remaining is 1 plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square plus and so this term we have to shift in left hand side so minus pi by 2 plus pi by 4 equals to minus 2 by pi 1 plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square. प्लस एंड सोन ये ऑल स्टेप आप कहाँ से करोगे जो आपको प्रूव करना है शो दैट का जो स्टेटमेंट है उसको देखते हुए करो ताकि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्या रिक्वायर्ड है तो प्रूव दैट के अंदर स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड में पाई कंटेन है मतलब ऑल पाई जहाँ पे भी कंटेन है वो पूरा टर्म लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो इसी के लिए मैंने ये जो एडिशन के फॉर्म में टर्म है तो ये टर्म अगर आप शिफ्ट करते हो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये माइनस है तो लेफ्ट में जाके प्लस हो जाएगा तो पाई कंटेन है डेट्स वाई इसको मैंने शिफ्ट किया ना ये इफ यू सिंप्लीफाई दिस टर्म इट इज़ ए माइनस पाई बाय फोर ये टू से एडजस्टमेंट कर दो तो माइनस टू से ये जो है टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो माइनस टू पाई प्लस इज माइनस बाय फोर इक्वल्स टू माइनस टू बाय पाई वन प्लस 1 by 3 square plus 1 by 5 square and so on. Now this division term, if we shift in multiplication, then this term hai, ye multiplication mein ja ke, pi square ho and it is a 8, and this negative negative cancel out. So ye term hum left hand side we shift so pi square by 8 equals to 1 plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square and so on. So we will get the Answer. Thank you. Like, share, and subscribe.